हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है। एन एडवर्ब इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच यूजुअली एड्स मोर टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये आपके एडवर्ब की डेफिनेशन है जो ये हमें बताती है कि जो एडवर्ब्स होते हैं ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं जो वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं या उसके मीनिंग को और एनहांस करते हैं। इस डेफिनेशन को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। द गर्ल सैंग स्वीटली। इन दिस सेंटेंस स्वीटली मॉडिफाइज द वर्ब सैंग। ओके, स्वीटली इज द एडवर्ब एंड सैंग इज द वर्ब। मेन वर्ब है, गर्ल ने क्या करा, गाना गाया है, लेकिन कैसा गाया है, स्वीटली गाया है, तो वर्ब को इसने मॉडिफाई किया। ठीक है, तो ये जो वर्ब है और स्वीटली इसमें एडवर्ब है। द गर्ल इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिंगर। इन दिस सेंटेंस वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ब्यूटिफुल। हमें पता है एडजेक्टिव जो है वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें वेरी जो है वो एडवर्ब है। ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। वो लड़की सुंदर है, लड़की जो है वो बहुत ही ब्यूटिफुल सिंगर है, लेकिन कितनी है, बहुत है। तो ये जो वेरी है उसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। द गर्ल सिंग्स क्वाइट मेलोडियसली। लड़की गाना गाती है, मीठा गाना गाती है, लेकिन कैसा गाती है, क्वाइट मेलोडियसली गाती है। तो मेलोडियसली जो है वो एडवर्ब है और क्वाइट इज ऑल्सो अ एडवर्ब। तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया। द वर्क शी डिड वॉज रियली गुड। उसने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया, वाकई में बहुत अच्छा किया। तो गुड जो एडजेक्टिव है, रियली एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट, इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है, जब भी कभी कोई एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो हमेशा वो तो एडजेक्टिव से पहले हमेशा एडवर्ब आता है। फॉर एग्जांपल, द सिटी वाज अनयूजुअली डर्टी। डर्टी इज अ एडजेक्टिव। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई किसको कर रहा है, सिटी को। सिटी कैसी है, गंदी है। अनयूजुअली ये एडवर्ब है जो इसको डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये हमेशा एडजेक्टिव से पहले आते हैं। हिज एटीट्यूड इज सीवियरली बैड। उसका एटीट्यूड कैसा है, बुरा है, लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा सीवियरली है। तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव से हमेशा पहले आते हैं। एडजेक्टिव की तरह ही एडवर्ब्स भी जो है वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम्स मैंगो इज स्वीट। राम का मैंगो मीठा है, तो ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ER कर देते हैं और सुपरलेटिव में हमारा EST एड हो जाता है। द वर्क हार्डर सो दैट योर फादर कैन अप्रिशिएट यू। अब इसमें हार्डर हो गया, वर्क हार्डर सो दैट योर फादर कैन अप्रिशिएट, जो है वो कठिन परिश्रम करो जिससे कि तुम्हारे पापा तुम्हें अप्रिशिएट करें। द स्टूडेंट हु विल सॉल्व दिस सम द फास्टेस्ट विल विन द गेम। जो भी स्टूडेंट इस सम को फास्ट, मतलब सबसे तेज जल्दी सॉल्व करेगा, वही इस गेम को जीतेगा। तो EST हम इसमें ऐड कर देते हैं। जब हमें सेंटेंस फॉर्म करनी होती है पॉजिटिव में, तो हम एज एडवर्ब एज लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, नोबडी कैन रन एज फास्ट एज द राजधानी एक्सप्रेस। और जब हम कंपैरेटिव में करते हैं तो हम क्या करते हैं, देन यूज़ करते हैं। आपने एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव के वीडियो में जब हमने एक्सप्लेन किया था उसमें आपको समझाया था, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। ही कैन कम्प्लीट दिस वर्क जस्ट फास्टर देन आई कैन। तो कंपैरेटिव डिग्री में मेनली दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। द लिटिल द एडवर्ब जो सुपरलेटिव में है, द लगा देते हैं आपके। फॉर एग्जांपल, द इंडियन टाइगर्स आर सेट टू रन द फास्टेस्ट। इसमें दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात होती है। अब इसमें इंडियन टाइगर्स की बात हो रही है। इंडियन टाइगर्स जो है वो सभी एनिमल्स में सबसे तेज हैं, इसलिए द फास्टेस्ट तो है ही, इससे पहले द हो गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ समथिंग हैपन्स, कि एक्शन जो है वो किस तरीके से होता है वो हमें बताता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स स्लोली। वो चलती तो है, कैसा चलती है, स्लोली चलती है, तो उसका मैनर हो गया। ही आंसर्स क्विकली। वो आंसर कैसे देता है, जल्दी जल्दी, फटाफट उसका आंसर, तो ये मैनर हो गया। ठीक है, और ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर एन एक्शन हैपन्स, कि वो एक्शन कहाँ हो रहा है। द कैट स्प्लिट मिल्क एवरीवेयर। जो कैट है उसने दूध गिराया, कहाँ गिराया, सब जगह गिरा दिया। आई रीच्ड देयर, मैं कहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा। तो ये प्लेस के बारे में बात होती है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन बट ऑल्सो फॉर हाउ लॉन्ग। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हमें बताता है कि एक्शन कब हुआ और कितनी देर तक हुआ। ही केम बैक फ्रॉम ऑफिस बाय 7 o'clock। वो ऑफिस से वापस 7 बजे आया, तो इसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या हो गया, 7 o'clock।
वी विजिटेड ताजमहल यस्टरडे, हम कल ताजमहल गए थे या घूमने गए थे, तो यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन वॉज डन और टेक्स प्लेस, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है। ठीक है, रिया बाइज वेजिटेबल्स एवरी डे, रिया जो है वेजिटेबल खरीदती है, लेकिन कब खरीदती है? रोज खरीदती है, तो एवरी डे जो है उसकी फ्रिक्वेंसी हो गया। रमन कॉल्ड हिम थ्राइस बिफोर द मीटिंग, रमन ने उसे मीटिंग से पहले, थ्राइस मीन्स होता है 3 टाइम, 3 बार बुलाया, तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, थ्राइस, ट्वाइस, वंस, तो ये कितनी बार एक्शन हुआ वो उसकी फ्रिक्वेंसी बताता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ एमपीटी, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कभी कभी एक से ज़्यादा एडवर्ब्स अगर यूज़ होते हैं तो उनका प्लेस कैसा होना चाहिए। वो होना चाहिए, सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है, फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है, देन एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है। तो इसका जो है सिक्वेंस हम बताएंगे। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट द पार्टी। अब इसमें हम देखेंगे जो ब्यूटीफुली है ये तो है हमारा मैनर, लास्ट नाइट है हमारा टाइम, एंड एट द पार्टी है हमारा प्लेस। अब अकॉर्डिंग टू द रूल MPT ये इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है MTP है, तो इट मीन्स ये वाला सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। हमें इसमें करेक्शन कैसे करना है, मैनर तो पहले है ही, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें प्लेस लाना है, यानी कि एट द पार्टी, और लास्ट में आएगा लास्ट नाइट, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो हमेशा जब भी आप सेंटेंस देखते हैं, करते हैं, या कभी कभी एरर वाले सेंटेंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है। कम एट 7 o'clock टू माई हाउस, अब इसमें मैनर नहीं है, इसमें है टाइम है, और है टू माई हाउस है प्लेस, ये भी रॉन्ग है। हमारा क्या होना चाहिए, PT होना चाहिए, नहीं प्लेस होना चाहिए, देन टाइम होना चाहिए। तो कम टू माई हाउस पहले हो जाएगा, बाद में टाइम आएगा एट 7 o'clock। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर, अब लास्ट इवनिंग क्या है, इसमें टाइम हो गया लास्ट इवनिंग, वेंट टू जयपुर हो गया आपका, प्लेस हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले, ये भी रॉन्ग है हमारा, क्योंकि इसमें पहले टाइम दे दिया, पहले हमें प्लेस लगाना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, पहले पहले हमारा प्लेस आएगा, दे वेंट टू जयपुर, फिर आएगा टाइम लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पोक लाउडली यस्टरडे एट द मीटिंग, और इसमें लाउडली वो उसने बात की, कैसे की, लाउडली, तो ये मैनर हो गया, यस्टरडे क्या हो गया आपका टाइम हो गया, एंड एट द मीटिंग हो गया आपका प्लेस। इसमें भी गलत है, MTP है, तो हमारा पहले मैनर तो ठीक है, प्लेस आएगा इसके बाद। अब इसमें पहले मैनर तो ठीक है, ही स्पोक लाउडली, इसके बाद हमारा क्या होगा, प्लेस होगा एट द मीटिंग, और लास्ट में टाइम होगा यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कम्स ऑलवेज इन द इवनिंग टू माई ऑफिस, अब इस वाले सेंटेंस पे ऑलवेज जो है वो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब इसके बाद इन द इवनिंग हमारा टाइम है, और टू माई ऑफिस आपका प्लेस है, ये भी रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, एक तो आपका प्लेस पहले होना चाहिए, दूसरी बात हमारा जब भी फ्रिक्वेंसी होती है, इसमें फ्रिक्वेंसी वर्ब के बाद है, कम्स जो है हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद हमारी फ्रिक्वेंसी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, अगर फ्रिक्वेंसी होती है तो वो हमेशा वर्ब से पहले आती है। ही ऑलवेज कम्स, पहले फ्रिक्वेंसी आएगी देन वर्ब आएगा, फिर टू माई ऑफिस इन द इवनिंग। तो ये MPT मैनर था जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर एडवर्ब के बारे में, आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।